अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का व्लॉग है वीज़े के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम व्लॉग बनाएंगे वीज़े के बारे में, मतलब कोई भाई अगर ड्राइविंग में आना चाहता है तो वीज़ा कहाँ से ले, कैसे ले, सैलरी कैसी लगती है, कितनी लगती है, तो आज हम उसी के बारे में आपको बताएंगे। और प्लस कोरोना के बारे में, जो सऊदी अरब के हालात हैं, वो कोरोना के बारे में क्या कहते हैं, गवर्नमेंट क्या कहती है। तो वीडियो के साथ बंधे रहिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन पर बटन दबाएं ताकि हमारी जो नई मज़ीद वीडियो है वो आप तक पहुँच सके। तो आइए आज का व्लॉग बनाते हैं और बताते हैं। फर्स्ट हम आपको बताएंगे वीज़े के बारे में कि वीज़ा कैसे और कहाँ से मिलता है। इधर बहुत सारी कंपनियाँ हैं जिनके सऊदी अरब में बहुत अच्छी अच्छी कंपनी हैं, लेकिन मैं आपको अपनी कंपनी में बारे में बताऊंगा जो जिसमें मैं काम करता हूँ। अल राशिद है, RTCC, इसके इंटरव्यू किए हुए हैं पाकिस्तान में, दिल्ली वालों के पास, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में दिल्ली वाले हैं, तो लाहौर में जहाँ से मैं आया था वो है लाहौर में। अभी इसके इलेक्ट्रिशियन के, ड्राइविंग के, सेफ्टी ऑफिसर के बहुत सारे वीज़े किए हुए हैं जिसमें आप काम करना चाहते हैं, जिसको यानी कि जो आपको काम आता है। तो हमारी कंपनी का ये है कि सैलरी के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त है। मुझे 5-6 साल हो गए, कभी नहीं हुआ कि सैलरी लेट हुई हो। फर्स्ट यानी कि 1 तारीख को सैलरी यहाँ पे आ जाती है। बकाया जो यानी कि उन्होंने छपवाया है वो मैं मेंशन कर देता हूँ इसी वीडियो के एंड में या सेंटर में, मैं लगा दूँगा, आप देख लेना। वो तो उसमें सब लिखा हुआ है किस किस चीज़ के वीज़े के हुए हैं, किस किस डेट को हुए हैं। कि यहाँ जो कोरोना वायरस था, यानी कि आपको सबको पता है, 2 साल से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो मास्क इन्होंने, मतलब यानी कि जो न्यूज़ आई है वो यही है कि मास्क की पाबंदी अब ख़त्म हो गई है, लेकिन जो भाई इधर सऊदी अरब का है, मेरा लोग देख रहे हैं, तो वो मास्क लगा ही रहे, क्योंकि अभी कुछ पता नहीं है, कभी भी चेंज हो सकता है लागू। तो बहरहाल वीज़े भी खुल गए हैं पाकिस्तान के। उसके बाद जो इधर है यानी कि उम्रे के लिए आना चाहते हैं, उम्रे के लिए भी कुछ ही दिनों में, इस महीने के एंड तक बिल्कुल फुल एंड फाइनल पता लग जाएगा कि कौन यानी कि विजिट वीज़े वाले आ सकते हैं, कंपनी के वीज़े से आ सकते हैं, आज़ाद वीज़े वाले, वो भी इसी महीने के एंड में फ़ाइनल हो जाएगा। तो इंशाल्लाह हमारे साथ रहिएगा, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि जो भी न्यूज़ आए हम तक चाहते रहेंगे। नई वीडियो अगर किसी भाई के जहन में कोई सवाल है कमेंट में हमें बताए, हम मैं इंशाल्लाह उसका जवाब दूंगा। ठीक है, सऊदी अरब के बारे में कोई भी आदमी वालों के पास, और भी बहुत सारी कंपनी है, अगर किसी बारे में, कोई कंपनी के बारे में जानना चाहता है तो वो इन्फॉर्मेशन लेके मैं आपको दे सकता हूँ। कोई भी कंपनी मेंशन कर दें कि उसकी क्या सूरत हाल है, सैलरी कितनी लगाती है, टाइम पे देती है कि नहीं देती, वो भी आप लोगों को बता देंगे। हम जो इधर, हमारे पास छोटा लाइसेंस है, बड़े लाइसेंस में भी आ सकते हो। तो हम जो गाड़ियाँ चलाते हैं, किसी भाई ने बोला था कि कमेंट में, आप भाई साहब कौन सी गाड़ी चलाते हो, तो हम ये छोटी गाड़ी चलाते हैं। तो ये हमारे भाई हैं, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि ये मलक मसूद भाई हैं, बहुत ही प्यारे हैं। तो अभी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी गाड़ी हम चलाते हैं। हम इकट्ठे होते हैं जॉब पे, तो ये गाड़ी है, ये भाई मलक मसूद साहब की है, और साथ होते हैं, ये गाड़ी मेरी है जो मैं चलाता हूँ। ठीक है, ये छोटे ड्राइवर की हम बता रहे हैं, ये कंपनी की गाड़ी खड़ी हुई है, कुछ लोग नहीं गए आज, हमने गाड़ी का मोबाइल वगैरह, इधर वर्कशॉप है, इधर ही कैंप है, चेंज करवाया है। तो अगली वीडियो है जो, उसमें हम लोग इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि शुमाल लाइसेंस है और बड़ा लाइसेंस है, उसमें
कितना फ़र्क होता है। तो छोटे जो लाइट जो यानी कि शुमाल कार है जो, उसकी सैलरी कितनी लगती है और बड़े की कितनी लगती है, वो अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि हमारी जो भी नई वीडियो है आपको मिल सके। दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।